गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आ जाओ जल्दी से, फटाफट, आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इस समय टाइम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। कितना हो रहा है? रात्रि के 1:35 और 27 सेकंड इस समय हो रहे हैं। लेकिन आप सोचोगे ये तो क्लास सुबह चल रही है। जी बिल्कुल, रात में ये सब कैमरे के आगे रिकॉर्ड होता है, कैमरे के पीछे लोग सोते रहते हैं, तो वो सब अपनी जगह है। नींद मुझे भी बहुत तेज़ से लगी थी, अभी बैठे बैठे कुर्सी पर मैं सो रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि भाई विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। और वो नींद भगाने के लिए मैंने उन लाइनों को याद किया जो आपको सुनाते हैं। उम्मीदों को कभी खोया नहीं करते, मंजिल हो अगर दूर तो रोया नहीं करते। उम्मीदों को कभी खोया नहीं करते, मंजिल हो अगर दूर तो रोया नहीं करते। और जो रखते हैं दिल में तड़प कुछ कर दिखाने की, वो दिन में क्या रातों को भी सोया नहीं करते। और इन्हीं लाइनों को याद करते हुए नींद भाग के चली गई बाहर और हम आगे बोर्ड के सामने। चलिए, त्रिकोणमितीय अवधारणा आज हम लोग बात करेंगे, डीएलएड का चतुर्थ सेमेस्टर की गणित का। आप जानते हो सप्ताह में 3 दिन होती है, लेकिन अब इसका टाइम बढ़ने वाला है क्योंकि सेकंड सेमेस्टर हम बंद कर रहे हैं और थर्ड और फोर और फर्स्ट 3 चलेगी। साथियों, ये क्लास नंबर होगी 14, त्रिकोणमितीय अवधारणा। देखिए, फोर्थ सेमेस्टर में है क्या, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के कोण हैं और साइन कॉस टैन का जो है बेसिक एकदम सूत्र है, छोटा वाला, वही लाल बटा कक्का वाला, बाकी कुछ नहीं है। मतलब समझना। देखिए साथियों, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें इनके नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। इन सभी के एक एक कट्टर विरोधी होते हैं उल्टा, जिन्हें बोलते हैं साइन का उल्टा कॉसेक थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा और टैन का उल्टा कॉट थीटा। और इस तरह से ये लेकर के कुल मिला के 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाते हैं। बात समझ रहे हो ना? अब हम बात करते हैं, सबसे बड़ी बात होती है त्रिकोणमितीय सारणी की, क्योंकि आपकी परीक्षा में उससे रिलेटेड सवाल आएंगे, फिर आप लोग मुंह झुरवाए लौट के आओगे, है ना। तो मुंह ना झुरवाए लौट के आओ, मुंह गीला करके आओ, इसलिए समझना। मतलब देखिए, अगर आपसे हम पूछ लें कि चलो जल्दी से रेडी हो जाओ और बता दो कि साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो बहुत से लोग बता पाएंगे, बहुत से लोग शर्माएंगे, बहुत से लोग को मालूम है नहीं है, लेकिन सबको आना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए। समझना, देखिए, अगर हम पूछें कि चलो बताओ कॉस 90 डिग्री का मान क्या है, तो ना आएगा ना। देखिए, हम आपको कुछ ऐसा तरीका बताने वाले हैं, कुछ ऐसा जादू तो नहीं बताएंगे कि कोई दवा सुंघा देंगे या पिला देंगे आपको आ जाएगा, हाँ, लेकिन हम आपको समझाएंगे, अगर आप समझोगे तो फिर कभी ना भूलोगे, आएगा, ज़रूर आएगा। चलिए साथियों, अगर साइन 45 की बात करें या कॉस 45 की बात करें, तो इनका मान होता है 1/√2। अगर साइन 0 की मान करें बात करें तो 0 होता है, कॉस 0 का 1 होता है, तो कॉस 90 का क्या होगा जानते हो? कॉस 0 अगर 1 होता है तो कॉस 90 0 होगा। साइन 0 अगर 0 होता है तो साइन 90 1 होता है, ठीक। लेकिन ये ना मज़ा आएगा, कैसे करते हैं इसको याद वो भी देख लेना थोड़ा सा, बस फटाफट 4 सेकंड में। देखिए साथियों, ये सभी मान कैसे निकालते हैं, उसके लिए पहले एक नंबर लिख लो, 0, 1, 2, 3 और 4। ये हम छोटा सा फंडा बताते हैं सभी को। इधर साइड में लिख लो साइन थीटा, चूँकि हम पहले साइन का ही मान निकालने वाले हैं। बस देखना, सारे मान अभी गिर जाएंगे फटाफट, पक्के आम की तरह, देखना। पहले 0 से लेकर के 4 तक नंबर लिख दोगे, इधर साइड में साइन थीटा लिख दोगे, ठीक। अब सभी को 4 से डिवाइड करोगे, क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। देखिए 1 आ गया, ये 3/4 आ गया, ये 1/2 आ गया, 1/2 आ गया मतलब 4 आ गया, और ये क्या आ गया, 0। मतलब समझना, अब सभी संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे, क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का वर्गमूल 1/2, और 1/2 का वर्गमूल 1/√2, और अंडर रूट ये हो जाएगा 3/4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, ठीक, और ये हो जाएगा 1। बात समझ में आई? तो इस तरह से अब आप कह सकते हो बड़े ही दमखम के साथ कि साइन 0 अंश का मान क्या है, 0 है। साइन 45 अंश का मान 1/2 है। साइन 60 अंश का मान 1/√2 है। यार मुझे गलत लग रहा है, ये देखो, ये साइन 0 का मान है, ये साइन 30 का मान है, ये साइन 45 का मान है, ये साइन 60 का मान है, और ये साइन 90 का मान है। बात समझ में आई ना, नोट कर लीजिए जल्दी से।
ये तरीका ना समझ में आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक ना। बस कोशिश करना, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। देखिए साथियों, ये हो गया साइन के मान निकालना, हमने आपको सिखा दिए। अब आप हमें याद करके बताओगे, ठीक है। जैसे आपने साइन का निकाला ना, ऐसे अभी हम आपको कॉस का भी निकालना बता देंगे, फिर आप उसे खुद से करते रहना, लगे रहना बस। हाँ तो चलिए कॉस का निकाल लेते हैं साथियों। कॉस थीटा की अगर बात करें तो यहाँ पर नंबर लिखेंगे, लेकिन 4, 3, 2, 1, 0 ऐसे लिखते हैं उल्टा साइड में। इसमें भी चार प्रक्रिया है, इसमें भी वही करेंगे, पहले नंबर लिख के फिर सभी को चार से भाग करेंगे और फिर सभी का वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है। ये इन सभी के क्या निकलेंगे, वर्गमूल। ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 इसका अंडर रूट, 1/4 अंडर रूट, और ये हो गया 0, ठीक। इस तरह से आप इसको निकालोगे तो 1 आएगा, अंडर रूट 3/2 आएगा, ये 1/√2 इतना आएगा, और ये 1/√2 आएगा, और ये 0 आएगा, ठीक ना। मतलब समझना। देखिए साथियों, साइन अगर 0 की बात करें तो 0 होता है, साइन 30 का मान बात करें, 1/2 साइन 45 का मान, 1/√2 और ये 60 का मान है, और ये 0 का मान है। कॉस की बात करें तो कॉस थीटा में देखो, यहाँ थीटा हटा दो, कोई मतलब नहीं है। कॉस 0 अंश का अगर बात करें तो कॉस 0 का मान 1 होता है, और कॉस अगर 30 का बात करें तो √3/2 होता है, अगर कॉस 45 की बात करें 1/√2, और कॉस 90 का बात करें तो 1/√2। बात समझ गए ना। चलिए, नींद बहुत मस्त आ रही है। तो इस तरह से आप सारे मान समझ गए हो, तो आप जवाब दे दो फटाफट। ये बताओ आप सभी जल्दी से कि कॉस 65 अंश का मान निकाल लोगे क्या इस तरीके से, हाँ या नहीं। कॉस 65 अंश का मान होता है सारणी में, शायद नहीं है ना, तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी इधर समझना, इधर समझने वाली बात क्या, उसको देखना साथियों। जैसे कि हम बताने वाले थे आपको, हाँ कुछ होमवर्क के लिए, कुछ होमवर्क के लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, ई का दिखा रहा है। हम लोगों ने अभी जो भी पढ़ा है उसी के बारे में मान बताइए। क्या करिए इसका, मान बताइए। चलिए बता दीजिए फटाफट, साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, दूसरा कॉस 45 का मान कितना होगा, तीसरा कॉसेक 90 अंश का मान क्या होगा। आगे इतना ही नहीं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, टेन 45 अंश का मान क्या होगा, टेन 30 अंश का मान क्या होगा, और ये है टेन 45 डिग्री, ठीक ना। इन सभी के मान आप लोग देख करके बता दोगे उसी सारणी में जो मैंने बनवाया अभी, ठीक ना। अगर नहीं है तो बताना, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों आज बहुत ही गड़बड़ चल रहा है मामला, मतलब बहुत ज़्यादा देर हो गई है, बहुत नींद भी आ रही है, कहीं कुछ गड़बड़ ना बता दें आपको, इसलिए ये क्लास बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटी सी ही क्लास होगी। लेकिन आप मतलब यहाँ समझ गए होंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को कैसे निकालते हैं और कैसे उनको याद करते हैं, है ना। इसके आगे की क्लास में हम लोग सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। अगली क्लास देखना सुबह 8 बजे से साथियों, हमारी कोशिश होती है 8 बजे, अगर कोई लेट होता थोड़ा तो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन देखना ज़रूर।